हमें तो कहा, आपने हमें सरप्राइज दे दिया, हम आपको देने वाले थे। मैंने गाड़ी में अभी देख लिया था, देख लिया था। हम इतनी देर से ये सोचते थे आप घर पे ही नहीं होगे। अबू धाबी में 3 घंटे गुजारूंगा, लेकिन यहाँ तो फुल स्पॉट सीन चल रहे हैं और अभी मुझे मेरा गेट नंबर नहीं मिल रहा। अगर यार वाइब्स हैं यार इस एयरपोर्ट आम से, पता नहीं फ्लाइट लेट के निकली है 1 घंटा। तो शुरू करते हैं वॉशरूम से, मेरी फ्लाइट है यहाँ, गेस्ट करें। तब तक मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। मैं एयरपोर्ट के वॉशरूम में पहली दफ़ा आया, बस इतना सोच कैट सेट और मैं बोर्ड कर चुका हूँ और अब मुझे जो है यहाँ से 7 घंटे की फ्लाइट लेनी, जो कि बहुत लंबी होती है। इस फ्लाइट में मेरी सीट चेंज हो गई है और ज़्यादा अच्छी मिल गई है, मतलब इसे कहते हैं किस्मत। विंडो सीट थोड़ी सी दूर है लेकिन बेस्ट हो गया। इस वक्त अबू धाबी में 8:15 हो रहे हैं और मैनचेस्टर में 4:15, और यहाँ से मैं मैनचेस्टर के 11:30 पहुँचना था लेकिन फ्लाइट लेट है। पता नहीं किस टाइम पहुँचते हैं, लेकिन सीन्स अकेले ट्रैवल करने के बहुत मज़ेदार है। और अभी जो सीट चेंज हो गई है ना, उसके मज़े अलग है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया। अभी जो भी ट्रैवल करते हैं ना भाई, है ज़्यादा ठंड है और फट रही है ठंड वाली कसम से। और आए हैं तो स्नो फॉलिंग हो रही थी, और क्या आपको अपना एयरक्राफ्ट दिखा देते हैं जिससे अभी। तो दिस इज़ बोइंग 313 पता नहीं क्या जो भी है, ये इससे उतरे हैं यार। मगर मुझे ये कि इनकी उस पर बड़ा मज़ा आया है। जिन फ्लाई दुबई से ट्रैवल किया था तो उसमें थोड़ा स्केरी होता था। इसमें मुझे दोनों दफ़ा लैंडिंग और टेक ऑफ का पता ही नहीं चला। सो गुड। सो मैं वीडियो बना रहा था तो मुझसे रोस्टर्स पूछती है कि आप यूट्यूबर हैं, तो मैंने कहा जी मैं यूट्यूबर हूँ। तो फिर उसने मेरा पूरा इंटरव्यू किया और बड़ा खुश हो रही थी, कहती है अच्छा आपने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। बस अल्लाह करे कि जब अगली दफ़ा किसी ट्रैवल करूँ तो वो मुझसे ये ना पूछें कि आप यूट्यूबर हैं, मुझसे पूछें डायरेक्ट कि आप रज़ाक आज़मी हैं। क्या कह रहे हो लड़के। रौनक आदमी से मिलना था। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मैं गलत तो नहीं खड़ा हो गया था? नहीं बिल्कुल नहीं। बैग तो ले ले, बैग तो वहीं छोड़ दिया। ओ भाई यहाँ तो फ्रीजिंग वेदर चल रहा है और हम नॉर्मल फिर रहे हैं। अच्छा एक बात बताएं, आप मास्क वास्क नहीं पहन रहे हैं यहाँ पे? पहने मैं भी नहीं, मैंने पहना सिर्फ उतरा ऐसे ही, लेकिन आप देख सकते हो नहीं हमें तो उन्होंने कहा मास्क पहने, बगैर मास्क के फिरने नहीं। भाई अंदर सुकून है, बाहर तो बहुत ठंड है। अकेले आए हैं या साथ ही आए हैं? अकेले आए हैं। नहीं आ रहे बस सीन ऐसा है कि वो अब टैक्सी की पेमेंट ऑन भाई कौन है वो मैं गाड़ी में बैठ के बताता हूँ, और मिल गए हैं जल्दी। तो सो गुड सो फार, इट्स रियली कोल्ड आउटसाइड यार, मगर अभी तो अच्छा लग रहा है, मगर थोड़े दिनों में बुरा लगना लग पड़ेगा ये वेदर। मैनचेस्टर
एयरपोर्ट पे उतरा था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं हडरफील्ड्स, और ये हडरफील्ड्स बोलते हैं हडरसफील्ड, और हडरफील्ड जहाँ से 50 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 40 miles. इतनी इंग्लिश पकड़ी नहीं जा रही आप, मतलब अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, सीन ऐसा है कि हडरफील्ड्स पहुंच चुके हैं और पास में घर है, मुझे तो लग रहा है इसी स्ट्रीट पे मैं अगर इंस्टाग्राम पिछले 6 महीने भी चलाऊं ना तो इंस्टाग्राम मेरा बहुत ऊपर चला जाएगा। थैंक यू सर, इतनी दूर लेने आए आप मुझे, सफर का तो नहीं पता चला, रोड ही इतनी अच्छी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें तो कहा आपने हमें सरप्राइज दे दिया, हम आपको देने वाले थे। मैंने गाड़ी में अभी देख लिया था हम इतनी देर से ये सोच रहे थे आप घर पे ही नहीं होगे। मुझे ओन भाई ने बोला कि तुम टेंशन नहीं लेना कपड़ों की, तुम्हें हम दोनों के आ जाएंगे। हुर के कपड़े मुझे कैसे आएंगे, मुझे ये कोई समझा दे यार। मेरे जैसे दो हुर में आएंगे, आ जाएंगे। सीन ऐसा कि घर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे तो हुसैन का फोन आ गया। 12-13 साल के बाद मैं हुसैन से मिलने वाला, और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड कजन जो भी कह लें आप, मुझे इतना पता है कि अगर मैं उससे मिलूंगा इतने सालों के बाद तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने वाला। दरवाजा नॉक कर लिया उसने। सुबह 6 बजे भी गया था ना, अपना उसको पूछ लेते, अपना उसको फोन कर लेते इस नंबर पर ना, क्या करना था क्या। जानते हो मुझे कौन हूँ मैं? दादा कैसे इसलिए आप कहते हैं फोन किया था आपने मुझे? हाँ जी, इसलिए मैंने फोन किया था पूछने के लिए कि कहाँ पे हो, तो कैसे सरप्राइज देने। मैं ओके फेयर इनफ। छोड़ के नहीं जा रही। अब आप मुझे रुला देंगे कसम से, पहले ही ने रुला दिया मुझे आधा तो। वेल सारा घर जो है वो इकट्ठा हो गया, ताइमा का इंतजार था सुबह से, बहुत लेट आई हैं वो, लेकिन जिस उसके इमोशनल उसके साथ आई हैं ना, एंट्री दी है इन्होंने, ऐसा लगा बेटी आ गई है। मैं पाकिस्तान में नहीं रोया मगर मैंने यहाँ रो देना था। ऊपर से असद ये न्यू मेंबर हैं और ये असद नाम है इनका, और जो मेरी बड़ा नहीं अमन भाई से तो छोटा है, छोटा 4 साल तेज से छोटा हूँ। ये बड़े लगते हैं या ये बड़े लगते हैं? बस गाइस सभी का सीन ऐसा कि टाइम बच चुके हैं 9:30 और मैं सो जाऊंगा। स्लीपिंग पार्टनर है हुर, और हुर को अपने एक साइड के अलावा कहीं और नींद नहीं आती, तो पाकिस्तान इसे जाना कुछ दिनों के बाद, देखें वहाँ क्या करता है। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टॉप फिशिंग स्टार्ट डूइंग। इतनी प्यारी मेम आई, इतनी प्यारी मेम आई और कहती है मास्क पहने।